महिला दिवस पर नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार द्वारा विरार ईस्ट में रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश दिया गया। साथ ही इस दौरान 9वीं और 10वीं के छात्रों को, जिन्हें अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं इस दौरान उपस्थित रहे प्रकाश कुमार मनूरे, राज निदेशक NYKS महाराष्ट्र गोवा, डॉक्टर वसंती खादी रावत HOD साजिक शिक्षा विभाग मुंबई विश्वविद्यालय, राम कुमार पाल 64 फाउंडेशन संयोजक नारी शक्ति रत्न, डॉक्टर दीप नारायण शुक्ला डीन पोदार कॉलेज, निशांत रौतेला जिला युवा अधिकारी NYKS मुंबई। वही इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक और उपस्थित लोगों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये कार्यक्रम बॉम्बे में भी हुआ है कल, और इतने दूर आने का एक ही मकसद था कि जो नारी शक्ति है उसका जो टैगलाइन है, नारी फिट तो इंडिया हिट। दूसरा टैगलाइन है इन्वेस्टमेंट इन वुमन्स। ये 8 मार्च, क्योंकि कल था और पूरा सप्ताह चलता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, बच्चों आप लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि लड़की है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या बहुत छोटी जगह पर ही, विरार को भी मुंबई माना जाता है। और आप लकी है कि मुंबई जैसे कॉस्मो मेट्रोपॉलिटन के स्कूल में पढ़ रहे हैं, भविष्य आप भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है और अच्छे गुण इस स्कूल से लेना है। यहाँ पर ये कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हुआ था, अभी शायद मुझे पता कि बोर्ड के एग्जाम भी है। मैं पुनः यहाँ के मैनेजमेंट को, प्राचार्य श्रीमती माने जी को, शास्त्री साहब को, राम भाई पाल जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करवाया, निरंजन जी, उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। साथ में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप लोग जीवन में बहुत यशस्वी हो। धन्यवाद।